हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बड़ा ही यूनिक प्रोजेक्ट। यह है न्यूमैटिक जैक। तो न्यूमैटिक जैक के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें चाहिए यहां पे एक बैटरी, एक एयर पंप, ये मेरे पास एक पाइप है ग्लूकोज की, ठीक है, जो ग्लूकोज के लिए यूज़ करते हैं वाली पाइप मैंने ले रखी है। और मेरे पास है बैलून, ठीक है, एक बैलून है। और ये जो बैटरी है इसके साथ चाहिए आपको एक कनेक्टेड वायर, ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की लेड एसिड। और ये है पंप और ये है हमारा पाइप, ये हमारा बैलून। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये आपको बनाना कैसा है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हमने जो पाइप है इसका एक पार्ट काट देना है, ठीक है, जितनी हमें लेंथ रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी लेंथ लेंगे। यहाँ पे मेरे पास लगभग 1 मीटर का ये पाइप है तो मैं इसे ले लेता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फिर आती है बारी आपकी मोटर की। तो ये जो पाइप है, ये जो पाइप है इसको हमें यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बैलून है बैलून को इस नोजल में लगा के यहाँ से हम लोग इसके ऊपर टेप लगा देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। फिर उसके बाद फाइनली आता है हमारे पास पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बैटरी, लेड एसिड बैटरी जो है ये हम लोग ले रहे हैं। तो आइए चले बनाते हैं इसे। तो ये मैं जो टेप है इसके ऊपर रैप कर रहा हूँ जिससे कि पाइप में इजीली सेट हो जाए और यहाँ से कोई एयर जो है वो लीक ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 2 वायर सोल्डर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है जो रेड है और ये नेगेटिव है। और ये जो बैलून था मैंने इसके आगे जो पाइप थी उसके एंड पे लगा दिया है, टेप से रैप कर दिया। और जो मेरी बैटरी है मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ और ये चार्जिंग पर लगी हुई है। तो मैं आपको एक बार वर्क करके दिखाता हूँ कि ये वर्क करेगा कैसे। मैंने बैटरी की वायर जोड़ दी है और ये मेरे पास जो वायर है मैंने कनेक्ट, मेरे पास ये जो वायर है ये मैंने लैपटॉप से ले रखा है क्योंकि मेरी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं है। मैंने वायर कनेक्ट किया, अब हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो एक बार हम लोग इसे रन करके देखेंगे, ठीक है। देखो आप, ये जो पंप है वो एयर को कंप्रेस करके यहाँ दे रहा है बैलून पे। और बैलून क्या है, बैलून फूल रहा है। अब मैं इसे स्टॉप कर दूंगा तो यहाँ से जो है ये बैलून तो भी उसी पोजीशन पे स्टॉप हो गया है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है NRB होता है, नॉन रिटर्न रहता है। तो नॉन रिटर्न बॉल्ब रहता है तो इसके थ्रू जो है एयर इजीली बाहर निकल नहीं पाती। तो अगर मैं यहाँ से ये जो इसका वाल्व है ये रिलीज़ कर देता हूँ तो देखोगे आप एयर रिलीज हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉलनॉइड वाल्व आता है जो आपके RO में यूज़ होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बेसिक एक तक इसके कॉन्सेप्ट पे काम करके दिखा देता हूँ। फिर से अगेन मैंने इसके पावर सप्लाई ऑन करी, आप देखोगे बैलून क्या है इंक्रीज हो रहा है। जितनी देर तक आप इसे मोटर को ऑन रखोगे उतनी देर तक ये बैलून में एयर फिल रहेगा। अगर एयर फिल कंटिन्यू रहेगी तो बैलून बहुत ज़्यादा ओवरसाइज का हो जाएगा और फट भी सकता है। तो आपको लिमिटेड एयर भरनी है उसमें, क्योंकि अभी तो ये फ्री है। जब हम लोग इसे सिलेंडर के अंदर रखेंगे या किसी कार्डबोर्ड में रखेंगे तो ये इसके अंदर कंप्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, बैलून ही है। तो बैलून थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो इसके जो टूटने के चांसेस है फटने के वो ज़्यादा रहता है। अगर आप फुटबॉल का ब्लैडर या कोई किसी टाइप की जो चीज़ होती है वो आप यूज़ करेंगे, हैवी या रबर का कोई ब्लैडर बना के लगाते हैं तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें बेसिक आप कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है।
और उसके बाद हम लोग इस पर जो है वर्क करेंगे कि कैसे हम लोग इसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग वेट को लिफ्ट करेंगे। तो एक बेसिक सा मॉडल मैं बना के दिखाऊँगा, तो ये मैंने वर्किंग दिखा दिया है इसको कैसे। अब इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है चीज में कि हम लोग इसे कैसे यूटिलाइज कर सकें, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ बॉक्स है वो ले लिया है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर देखा होल किया है एक, इस होल के अंदर मैं इस पाइप को इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद जो फाइनली जो हमारा एंड है जहाँ पे हमारा बलून रहेगा, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पे। हम लोग क्या करेंगे सब बताएंगे। अब यहाँ पे कोई भी वेट रखते हैं और अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो ये क्या करेगा, उसे लिफ्ट करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लीड ले लिया एक बॉटल का, जिससे कि मैं इसे थोड़ा सपोर्ट दे सकूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब आप इसके ऊपर कोई भी लोड रखोगे यहाँ पे, तो अगर पाइप के ऊपर आप किसी टाइप से लोड रखोगे तो यहाँ पे जो पाइप है आपकी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इस टाइप से चाहिए कि पाइप का जो प्रेशर है एटलीस्ट इसमें जाए, ठीक है। अगर पहले ही क्लोज हो जाएगा तो यहाँ कोई प्रेशर जाएगा नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नॉच बना दिया, एक कट बना दिया, ठीक है, ये मैंने सोल्डरिंग की हेल्प से किया है। और उसके बाद होगा क्या, मैं इसे यहाँ नॉच पर रखूँगा, तो होगा क्या कि यहाँ से एयर का जो सप्लाई है वो कहीं पे भी ब्लॉक नहीं होगा, और इसके ऊपर आप वेट रख सकते हो। यहाँ पे हम लोग वेट रखेंगे, जैसे ही वहाँ से जो पंप है वो पंप प्रेस करना स्टार्ट होगा, एयर को कंप्रेस करके यहाँ देगा, तो ये धीरे 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 लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें वेट देखना है कि ये कितना वेट को कैरी कर सकता है, उठा सकता है। तो मैंने जो अपना सिस्टम था उसको जो ये चेयर है, चेयर की एक लैग के नीचे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप लिड देख लो, लिड के नीचे जो है हमारा बैलून अटैच है, और ये हमारी होगी एयर पंप, और यहाँ से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं इससे पावर सप्लाई से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जो सिस्टम है फिट कर दिया है, इसके नीचे लिड लगा दी, लिड के नीचे बैलून है, ये हमारा पंप हो गया, और यहाँ पे पावर सप्लाई। मैं क्या करूँगा, इसको प्लग इन करूँगा और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मोटर स्टार्ट हो गई है, देखते हैं लिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं, ये मोटर स्टार्ट हो गई है, देखोगे धीरे धीरे से लिफ्ट करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ हमने इसे सेटअप कर दिया है, इसके नीचे टिबा जो हमारे चेयर है उसके नीचे। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं फिर से कि ये कैसे ऐसे लिफ्ट करता है। हमारा ये पंप स्टार्ट हो गया, बैलून इफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, ज़्यादा फोर्स है इसमें घिसने से साइड में जो है डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मैंने एक टब ले लिया है, टब में मैंने पानी ले लिया, 5 से 7 लीटर यहाँ पे पानी होगा मेरे पास। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा सिस्टम है वो ये 6 या 7 लीटर होगा, ज़्यादा मैक्सिमम, तो 6-7 लीटर पानी को ये लिफ्ट कर सकता है नहीं कर सकता। तो हम लोग और तो अपना सिस्टम को कनेक्ट कर लिया, हम लोग इसकी पावर को ऑन करते हैं। पंप ऑन हो चुका है, ट्रैक हो गया, तो एयर है वो लीक हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हो, देखो कितना ज़्यादा से लिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ से रिलीज़ करूँगा ना, आपको पता चलेगा कि इसने कितना लिफ्ट किया। मैं इसे यहाँ से रिलीज़ करता हूँ, देखा मैंने इसका जो पाइप थी
उसको उससे निकाल दिया था, तो जो प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से वो फट गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला होगा इससे। तो बनाते रहेंगे हम लोग कुछ ऐसे ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।